करनाल से चंडीगढ़ शादी में जा रहे एक परिवार की चलती कार में अचानक शाहबाद में आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में कार में सवार परिवार सुरक्षित है। कार मालिक कमल भल्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह करनाल से चंडीगढ़ अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह शाहबाद पहुंचे तो एकदम अचानक से गाड़ी बंद हो गई। उन्होंने नीचे उतरकर देखा तो कार में आग लग चुकी थी और उनके देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार सुरक्षित है लेकिन उनकी कार जलकर राख हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई में जुट गई। सर, हम करनाल से चंडीगढ़ जा रहे थे शादी में, तो रास्ते में यहीं पे आके शाहबाद पार करते ही अचानक गाड़ी के अंदर ब्रेक इसका बंद होगी गाड़ी, तो बंद हुई। जैसे हमने ब्रेक लगाई, रुकी और एकदम से आगे धुआं उठना लग गया, तो इतनी देर में देखा कि गाड़ी ने पूरी आग पकड़ ली, तो जिससे कि पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। सर, कितने लोग थे गाड़ी में? हम चार जन थे, हम मेरा परिवार था पूरा, बेटा बेटी और वाइफ थे, तो बस बाकी हम सारे सुरक्षित हैं। सर, कुछ संकेत प्राप्त हुआ जैसे कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ? नहीं, इस चीज़ का सर पता नहीं लगा कैसे कि अभी अचानक हमें बस जैसे बंद हो गया सारा कुछ इसका, तो उसके बाद ये धुआं उठा और ये आग लगने लगा। सर, सभी लोग सुरक्षित हैं? जी सर, सभी लोग सुरक्षित हैं। क्या नाम है सर? कमल भल्ला नाम है जी मेरा। सूचना प्राप्त हुई थी कि चलती गाड़ी में आग लग गई है। जो मौके पहुंचे तो गाड़ी थी करनाल की, कमल भल्ला हुआ, उसके परिवार के चार सदस्य थे। जो उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि चलती गाड़ी में धुआं ब्रेक लगी और धुआं उठने लगा, जो उन्होंने गाड़ी रोक ली और जो गाड़ी को बोन खोलने के बाद वो साथ के साथ उसमें आग लगी। चारों बंदे सुरक्षित हैं, गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है। क्या कार्रवाई रहेगी सर? कार्रवाई जो रपट लिखी जाएगी, DDR है, इतफाक ही होया है। क्या नाम है सर? सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार।